आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है कि एक व्यक्ति पहाड़ी की चोटी पर खड़ा है, यानी कि टॉप पॉइंट पर, जहां से वो पत्थर वी नोट वेग से क्षैतिज दिशा में फेंकता है, ठीक है। तो चित्र अनुसार निर्देशांक को ध्यान रखते हुए उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां पर पहाड़ी के तल पर, यानी कि पत्थर पहाड़ी के तल पर गिरेगा, ठीक है। तो आपको बताना इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, यानी कि निर्देशांक, इसको 0.0 कह रखा आपके पास, और वेग कितना है, वी नोट क्षैतिज दिशा में। इसका मतलब क्या होगा, आपके पास यहाँ पर वाई दिशा में कोई भी वेग नहीं होगा, क्योंकि उसका जो आपको वेग दे रखा है वो क्षैतिज दिशा में, तो वाई दिशा में वेग कितना होगा इसका, 0 हो जाएगा आपके पास। तो देखिए, आपके पास जो प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन होती है उसका उपयोग करते हैं। क्या होती है आपके पास वो प्रोजेक्टाइल इक्वेशन, वाई बराबर एक्स टेन थीटा माइनस जी कोस थीटा अपॉन 2u, और ये किस प्रकार गति करेगा आपके पास प्रोजेक्टाइल की तरह, कि मान लीजिए यहाँ से चला और आपका पार्टिकल यहाँ पर गिर गया, सपोज करिए इसका फाइनल पॉइंट हो गया और इसके कोऑर्डिनेट हो गए x, y माइनस में होंगे क्योंकि दोनों ओरिजिन से नीचे हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वी वाई की बात करते हैं, और जो एक्सेलरेशन होगा इसका ड्यू टू ग्रेविटी वो भी नीचे की ओर यहाँ पर आएगा। अगर इसको अपन यहाँ पर एक परपेंडिकुलर, मान लीजिए इस पर एक लंब रेखा खींचते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ये इसके लंब है, ठीक है। तो ये कौन थीटा है आपके पास, तो ये थीटा होगा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो इधर इसका वेग आएगा आपके पास वी नोट साइन थीटा, क्या आ जाएगा, वी नोट साइन थीटा। और उसी तरह से मान लीजिए जी के भी घटक निकाले, एक तो इस दिशा में आएगा आपके पास जी का घटक, है ना, यानी कि तल के समानांतर, और एक घटक इधर आएगा आपके पास, अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये घटक हो जाएगा आपके पास जी साइन थीटा, और इधर हो जाएगा आपके पास जी कोस थीटा, ठीक। तो दो एक्स अपने सॉरी दो एक्सिस इस तरीके से मान ली कि एक तो ये और एक ये दोनों आपस में कैसे है लंबवत, अगर यानी कि यहां से अगर पार्टिकल आपका गिरता है तो वापस उसी तल पर वही बिंदु आपको मिल रहा होगा इस तरीके से, यानी कि कह सकते हैं कि इसका वाई दिशा में जो, यानी कि इसके लंबवत वाई दिशा में जो इसका विस्थापन होगा 0 होगा, क्योंकि जिस बिंदु पर चला उसी बिंदु पर गिर गया, तो वाई दिशा में या कह सकते हो इसके लंबवत दिशा में आपके पास तो विस्थापन होगा वो 0 होगा। तो समीकरण यूज करते हैं, ऐसे बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि एस का मान तो कितना हो गया यहाँ पे 0, ठीक है, और इसके तल के लंबवत आपके पास जो वेग आ रहा है ये वी साइन थीटा है, तो इधर क्या आएगा वी कोस थीटा, इसका घटक निकाले वी का इधर, तो ये जगह वी कोस थीटा, ठीक है। तो लंबो दिशा में आपके पास वेग कितना है, वी नोट साइन थीटा, वी नोट साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 ए, और इस दिशा में आपका त्वरण कितना, अगर लंबो दिशा की बात करें यानी कि इस तल के लंबो दी आपके पास, तो आपका जो घटक है यानी ग्रेविटी का वो कितना जी कोस थीटा, और नीचे की ओर आ रहा है तो माइनस का, यानी कि जी कोस थीटा इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप टी का मान निकालोगे, एक टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टी का मान आ जाएगा 2v0 साइन थीटा बटे कोस थीटा जी कोस थीटा, ठीक। तो यानी कि ये हो गया आपके पास 2v0 बटे जी टेन थीटा, तो ये तो समय आ गया कि इतने समय बाद आपका कण इसके तल पर टकरा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसका x घटक निकाले आपके पास, x घटक का मतलब ये वाली दूरी, ठीक है ना, जैसे आपके पास ये बिंदु है तो यहाँ से यहाँ तक जो दे रखा आपके पास ये हो गया x, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, और क्षैतिज दिशा में उधर आपके पास कोई भी त्वरण नहीं है, तो x का मान डायरेक्ट हो जाएगा आपके पास v नोट, वे कितना है क्षैतिज दिशा में इसका v नोट, और समय कितना लगता है गिनने में t, तो ये हो जाएगा 2v0 स्क्वायर बटे जी टेन थीटा। तो एक घटक तो आ गया आपके पास 2v0 स्क्वायर बटे जी टेन थीटा। तो इसी दिशा में y का मान निकालने की, जो y घटक दे रखा आपको ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। तो y घटक की बात करते हैं, तो आपके पास s बराबर ut प्लस हाफ at समीकरण से s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक। तो s का मान कितना हो जाएगा आपके पास, ओरिजिन से नीचे है तो माइनस का y, और y दिशा में वेग कितना है इसका 0 इंटू टी,
प्लस एक बटे दो, ठीक है। और आपका ए का मान कितना है यहां पर इस दिशा में, जी के बराबर, किसके बराबर है, जी के बराबर, और कौन सा जी है, माइनस का जी, इंटू टी स्क्वायर। टाइम कितना लग रहा है आपके पास, टू वी नोट टेन थीटा अपॉन जी इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सोल्व करोगे तो आपके पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y बराबर हो जाएगा आपके पास y बराबर हो गया आपके पास टू वी नोट स्क्वायर टेन स्क्वायर फाइव अपॉन सॉरी टेन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर। तो एक जी से जी कट जाएगा तो केवल क्या बचेगा, जी। तो इसका जो y कोऑर्डिनेट आ गया आपके पास वो ये है, ठीक है। लेकिन y किस दिशा में, उससे नीचे की ओर है, तो आप इस कोऑर्डिनेट को अगर यहाँ पर आप माइनस वाई नहीं लगाते तो y की वैल्यू ऑटोमेटिक साइन के साथ आ जाती है ना, तो y की वैल्यू हो जाएगी टू वी नोट स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। तो चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है आपके पास, x तो हो गया टू वी नोट स्क्वायर टेन थीटा बटे जी, यानी कि ये तो सही है यहाँ पर भी, और y की वैल्यू आ रही टू वी नोट स्क्वायर टेन थीटा अपॉन जी, तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, और y किस दिशा में, नीचे की ओर है, तो y आपका जब फाइनल में लिखोगे है ना, अगर चाहे तो आप जैसे y की वैल्यू निकालते हो तो यहाँ पर माइनस लिखते तो आपका आंसर ऑटोमेटिक कितना आता, माइनस में आता। सपोज करिए आपने साइन के साथ पुट कर दिया, सही है, लेकिन जो y है वो आपके पास प्रारंभिक बिंदु से नीचे की ओर है, तो देखा जाए तो आपका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा y कोऑर्डिनेट या y की वैल्यू हो जाएगी ये आएगी माइनस का टू वी नोट स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा बटे जी, यानी कि ऑप्शन नंबर एक आपका इसका राइट आंसर है। ओके, थैंक यू। कक्षा छठी से बारहवीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।